योगी पार्ट टू में भू माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से बाबा के बुलडोजर ने माफियाओं और बाहुबलियों की ओर रुख कर लिया है। प्रयागराज में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जहां सबसे पहले धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेमसराय इलाके में सड़क किनारे दर्जनों अवैध अतिक्रमण को हटाया, वहीं उसके बाद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी घर में भी अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला, जबकि भीड़ी गांव में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर की अवैध प्लाटिंग पर पीडीए पहले ही बुलडोजर चला चुका है। इसी कड़ी में रविवार को एक बार फिर से पीडीए का बुलडोजर गरजा। पीडीए के अधिकारियों ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और उसके पार्टनर अतुल द्विवेदी 150 बीघे से ज्यादा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया है। अतुल पर आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं कराया था, जिसको लेकर पीडीए ने कई बार नोटिस दिया था। इसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग की जा रही थी और जमीन पर छोटी छोटी बाउंड्री वॉल भी खड़ी कर ली गई थी। यह अवैध प्लाटिंग प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर के रावतपुर गांव में की गई थी। पीडीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी और जोनल अधिकारी अजय कुमार के मुताबिक पीडीए की ओर से भेजी गई नोटिस के जवाब न देने और लेआउट पास न कराने के चलते ये कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम और अशरफ जहां बरेली जेल में बंद है, वहीं उसका पार्टनर अतुल द्विवेदी एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा बताया जा रहा है।